अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपकी बुक है तो उसको हम कैसे डबल साइड या सिंगल साइड हम उसको कैसे कॉपी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये देखें, ये एनिमल्स लिखा हुआ है और एक्टिविटीज लिखा हुआ है। किसी भी बुक की फ़ोटो कॉपी करते हैं तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे रख के करते हैं। फिर उसके बाद दोबारा हम इसको ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा होता है, इसमें ये होता है कि हमें बार बार इसको चेंज करना पड़ता है बुक को। इसके लिए हम एक इसका तरीक़ेकार है, ये देखें सेंटर में, ये देखें ये बुक बनी हुई है, ठीक है। ये तीर का निशान बना हुआ है, या आपकी बुक का जो सेंटर है उसको आपने इसके बराबर कर देना है। ये देखें ये सेंटर है, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे सामने सेटिंग की है तो हम इसके लिए ट्रे 4 सेलेक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ले एडजस्टमेंट में जाने के बाद अब ये लिखा हुआ है, देखें बुक कॉपी, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, ये देखें ये आ गया। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपने ये यहाँ अगर बोथ पेज दोनों पेज करने हैं, ठीक है, तो इसको क्लिक कर देंगे। अगर आपने लेफ़्ट साइड करना है, लेफ़्ट पेज ओनली करना है तो इसको क्लिक कर देंगे। अगर राइट पेज करना है, यानी अगर एक पेज करना है राइट या लेफ़्ट, तो आप इनको प्रेस कर देंगे, ठीक है। फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पे इसका लेफ़्ट पेज करना है, ये देखें लेफ़्ट का पेज, ये प्रेस करेंगे, ठीक है। सेंटर में रखा, ठीक है। इसको यहाँ से हमने सेव कर दिया, यहाँ से हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमने उसको कहा लेफ्ट साइड, अब ये देखें ये पेज निकाल दें हम, ठीक है। ये बुक की हम जो लेफ्ट साइड का जो साइड है वो उसका प्रिंट निकल आएगा। ये देखें ये प्रिंट निकला, ये देखें ये लेफ्ट साइड का प्रिंट निकलाया। ये देखें बुक का लेफ्ट पेज कॉपी हो गया है। आप हमको चेक कराते हैं आपको, ये देखें ये देखें ये बुक का लेफ्ट पेज, ये लेफ्ट साइड आ गई है। इसका राइट साइड पेज कॉपी करना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखेंगे सेंटर में, ये देखें यहाँ पे सेंटर में रख लिया, ये चेक कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे इधर आ जाते हैं, ठीक है, लेआउट एडजस्टमेंट में, ठीक है। अब हम कहेंगे राइट साइड, ये राइट साइड लिखा, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे सेव कर देंगे, और यहाँ पे कमांड दे देंगे कॉपी की, ये देखें यहाँ कॉपी करेंगे, ये देखें ये एनिमल्स हैं, ये देखें बाप का, ये राइट साइड कॉपी किया था ये पेज, ये देखें एनिमल्स, ये देखें ये राइट साइड किया हुआ, राइट साइड एनिमल्स आ गए, ये देखें, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है, अगर हम वन बाई वन हम कर सकते हैं राइट लेफ्ट पेज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों पेज कॉपी हो जाएं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ पे रखें, ठीक है। यहाँ पे हम रख लिया सेंटर में, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इधर लेआउट एडजस्टमेंट में, ठीक है, बुक कॉपिंग में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप बोथ पेजेस की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आगे हम सेव कर देंगे, सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉपी में जाएंगे, और आपने यहाँ पे जाके, यानी हम कहते हैं फ्रंट बैक आ जाए, दोनों पेज हैं एक ही पेज पे कॉपी हो जाए, तो हम यहाँ पे 1 और 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम अब ओके करेंगे, ये देखें ओके किया हमने, ठीक है। फोटो कापी में प्रिंट निकल रहा है, ये देखें दोनों पेज फ्रंट बैक पर कापी हो गए हैं। हमें बार बार जिस तरह पहले होता था कि हम ऐसे पहले इसको ऐसे कापी कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, दोबारा इसको फिर दूसरे पेज को स्कैनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे मसला होता था। अब इसमें एक ही टाइम में दोनों पेज स्कैनिंग हो गए, आराम से हो जाता है। फिर जो बुक कॉपिंग ऑप्शन आती है बोथ पेजेस,
ठीक है, ये जो ऑप्शन है ठीक है बैंडिंग एज अरेज, इसका मतलब ये होता है कि फर्ज किया इसकी इन्होंने वैल्यू दी हुई है 0 से 2 इंच तक, ठीक है। आप आपको बताने के लिए आप इसकी वैल्यू हम फुल कर देते हैं 2, ये इसकी वैल्यू हमने 2 कर दी है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड यानी कि एक साइड पे 1 इंच जगह लेगा मार्जिन का और दूसरे पेज पे वो भी एक इंच मार्जिन लेगा। तो ये हम इसको सेंटर में रखा, ये देखें ये पेज आप पहले दिखा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे करेगा कि ये 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक या उतना मार्जिन ले लेगा, ये प्रिंट नहीं आएगा। जो एक इंच के अंदर जो जगह होगी वो प्रिंट में नहीं आएगी। ये देखें आप करके दिखाते हैं, एक तो सेंटर में रखा हमने, ठीक है। इसकी सेटिंग हमने ये 2 की हुई है, ठीक है। यहाँ से हम सेव कर देंगे, ये देखें ठीक है, हमने 2 इंच किया हुआ है इसका एज पॉइंट, ये देखें निकला है। ये देखें यहाँ से उसने एक पेज पे 1 इंच का यहाँ से मार्जिन छोड़ दिया है, ठीक है। दूसरे पेज की तरफ यहाँ पे भी एक इंच का मार्जिन छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने एक जगह एक इंच की जगह स्पेस छोड़ दी है। इसलिए किया जाता है कि हम जो बैंडिंग करते हैं ताकि इसमें जो मैटर शैटर ना आए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसकी ना ये सेटिंग करनी है, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह।